हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी ये सुबह का समय है तो सुबह में नाश्ते में बना रहे हैं भिंडी की भुजिया। इनके लिए टिफ़िन के लिए बना रहे हैं भुजिया और रोटी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी आज अभी हो रहा है, टाइम 10:30 हो रहा है, तो अभी नहा के आए हैं। नाश्ता हो गया है, टिफ़िन भी ये लेके चले गए। आप तो देखे ही होंगे, भिंडी की भुजिया बनाए हैं टिफ़िन में और रोटी था। अभी दाल भी बना लिए हैं, नेनुआ की सब्ज़ी भी बनाना है। नेनुआ की सब्ज़ी बनाना है क्योंकि भिंडी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। खा लेते हैं लेकिन नहीं होता, एक अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इनके लिए बनाए थे, केवल वही खाते हैं। और फिर अपने लिए नेनुआ रखा हुआ है, तो नेनुआ की सब्ज़ी बनाएंगे। मुझे नेनुआ की सब्ज़ी बहुत पसंद है, बिल्कुल प्लेन प्याज और नेनुआ डाल के बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। आधा किलो आता है एक बार में, क्योंकि केवल मैं खाती हूँ, कोई और नहीं खाता। तो आधा किलो आता है तो दो टाइम मेरा चलता है, उसको बनाने वाले हैं। दाल भी अभी गए थे नहाने से पहले तो चढ़ा दिए थे। अब काम लगभग सब हो गया है, पूरा काम ख़त्म हो गया है। अब केवल वही नेनुआ की सब्ज़ी बनाना है और चावल बनाना है, तो यही है काम। अभी आज बाल भी धुले हैं, काफ़ी तेल लगाए थे शनिवार को लगाए थे, हाँ शनिवार को तेल लगाए थे, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया था। तो फिर कल भी नहीं धुले, नहीं मन कर रहा था धुलने का, तो आज बाल धुले हैं। बार बार लाइट आ रही है जा रही है, गर्मी थोड़ा सा बढ़ता है ना तो लाइट का मतलब ये अलग एक प्रॉब्लम हो जाती है कि बार बार अगर इन्वर्टर ना हो तब समझ में आए। आपका ये है नीचे, नहा के आ गए। घर आते आते 5 मिनट इनका हो जाता है, तो 5-10 मिनट आराम करते हैं फिर नहाने जाते हैं। तो हम नहाने चले गए तो हम कह रुक जाइए नहा ले, तब आप नहाइएगा। अभी चलते हैं, सब्जी को नेनुआ को धो के रखे हैं, उसको बना ले। अभी सब्जी के लिए प्याज भून लिए हैं, बस हरा मिर्चा डाल के और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, क्योंकि बिना हल्दी के सूप नहीं होता है, मतलब नहीं बनाना चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी डाले थे। और अभी नेनुआ को डाल लेंगे, नेनुआ को छील के फिर बनाते हैं। इधर देखिए दाल भी बन गया था, दाल तो पहले ही चढ़ा दिए थे, तो दाल बन गया था, तो बस अभी इसको ढक के पका लेंगे। नेनुआ की सब्जी बन गई, दाल भी निकाल के चावल भी चढ़ा दिए, चावल धो दिए हैं, तो उसको भी चढ़ा दें क्योंकि ऊँ आ गए हैं और मोबाइल देखने लग गए थे। तो फिर मोबाइल देखने लग जाओ तो फिर समय का पता नहीं चलता, और जब थोड़ा सा खाली रहो ना मोबाइल देखो तो लगता है कि पानी में डाल जाके देख भी ले, कमेंट भी। हाँ पानी इसमें डाल दूँ? हाँ डाल के भाई, भाई के चक्कर में ये हो गया, नहीं तो अब तक चावल बना चुके होते हैं। अभी कोई नहीं, अभी थोड़ा देर ये आराम करेंगे तब तक चावल बन जाएगा। नाश्ता का बर्तन अभी नहीं धुले हैं, बाकी जो भी रहता है थोड़ा बहुत धुलते जाते हैं, लेकिन नाश्ता का बर्तन नहीं धुले अभी। तो अभी चावल चढ़ा दें फिर बर्तन भी धुल लें। बर्तन पूरा धुल दिए, केवल अभी कुकर रह जाएगा, कुकर और कैसरोल। दाल भी छोड़ दिए,
पूरा काम हो गया, चावल भी बन गया, बस थोड़े देर में प्रेशर निकल जाए फिर खाना देते हैं। अभी ये दिखाएं आपको, गामर का प्रसाद लाए थे, कामाख्या माँ को चढ़ाए थे, और वो वहीं पे अगर चढ़ा के फिर उसी दुकान पे चले जाओ तो ये छील देते हैं सब। लेकिन अब मेरे घर मुंडन था तो चढ़ा के और रख लिया, ऐसे ही जा नहीं पाए, वहाँ फोड़ने का नहीं है कि तोड़ नहीं सकते इसको, तो मतलब मंदिर से बाहर ला के और इसको दुकान से फिर से छिलवा लीजिए। तो फिर अब इसके बिना पड़ा हुआ है, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज़ से इसको निकालें, इसका छिलका हटाएं। और कल इनको बोले भी कि पेचकस से निकालिए, निकल जाता है पेचकस से, लेकिन कल वो एसी वाला जो काम हुआ तो उसमें कूलर बाहर निकाल के रखा हुआ था, तो वही सब कूलर को सेट किए, गेस्ट रूम में कूलर को सेट किए, यही सब काम उनको करने में काफ़ी समय हो गया तो नहीं कर पाए। प्रसाद अभी ऐसे ही रखा है, और नारियल नहीं इसका छिलका हटवाए रहो ना तो फिर कितने दिनों तक पड़ा रह जाता है। अभी तो इसमें पानी की आवाज़ आ रही है, पानी है, तो अभी मेरा काम हो गया है, बस प्रेशर निकल जाए तो खाना देते हैं और फिर खाना खा के जाएंगे सोने। तो फिर आपसे मिलते हैं शाम को। गुड इवनिंग, अभी शाम का समय हो रहा है, सो के तो बहुत पहले उठ गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे थे, ये शाम का नाश्ता बना रहे हैं, आलू का कटलेट बना रहे हैं, वो तो कल की वीडियो में आप लोग देखे होंगे मेरे पिछले ब्लॉग में, अभी उसी की तैयारी कर रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा बहुत देर हो गया। और आज हम लोग अच्छे से सोए भी नहीं, क्या हुआ कि ये एसी वाला जो बोर्ड था उसमें इनको देखना था, पता नहीं कोई तार लगा है कि नहीं लगा है, उसके चक्कर में ये मेन जहाँ से लाइट होता है वहाँ से लाइट को बंद किए हुए थे, और फिर अपना बोर्ड खोल के चेक किए थे और उसके बाद ये चले गए, मुझे लगा कि ये ऑन करके गए होंगे, तो लाइट मतलब नहीं है, लाइट सबकी लाइट नहीं है। ऐसे ही इंतज़ार करते करते 4 बज गया, हम लोग सो के मतलब इन्वर्टर से ही पंखा से केवल सो के उठे, गर्मी लग रही थी, और जब उठे हैं तब पता चला कि मतलब मुझे लगा कि इतना देर से लाइट क्यों नहीं आ रहा है, तो बाहर गए तो बाहर देखे तो सामने वाले की मोटर चल रही थी, तो पूछे तो कह रहे हाँ लाइट तो है, तब जाके देखे बोर्ड में तो मेन उसका जो पावर होता है वो नीचे किए हुए थे, फिर उसको ऊपर किए, तो बहुत अच्छे से नहीं सो पाए हम लोग। अभी वही तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग सब कुछ तैयारी कर लिए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आज अच्छे से नहीं सोने की वजह से मेरा सर भी भारी भारी सा हो गया है, तकलीफ बन गया, और दे दिए इन लोगों को, हाँ तो प्याज ले जाइए, तो इन लोगों को दे दिए। अभी लास्ट में बना रहे हैं, थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, हम कह के पनीर का ये बना दें, सेम वैसे ही है जैसे वो बनाए हैं आलू का, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रखा हुआ था, तो उसका भी बना देते हैं, बन गया है और लेके चलते हैं, और आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान होता है, तो चलिए फिर खा लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। लोगों का नाश्ता हो गया, और नाश्ता और खाना दोनों ही हो गया, क्योंकि 8:30 हो रहा है, तो अब खाना खाने का किसी का मन नहीं है, अभी चाय चढ़ा के आए हैं, थोड़ा बहुत किचन में बर्तन भी फैला है, चाय पी लें, क्योंकि किचन से अगर निकल जाओ तो तुरंत जाने का मन नहीं करता है, चाय चढ़ा के इधर चले आए, ये भी आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लें, और फिर चाय पी लेंगे तब जाएंगे अब किचन में, क्योंकि खाना नहीं बनाना है तो हो गया काफ़ी समय है, अभी 8:30 हो रहा है, 9 बजे तक चाय पियेंगे तो धुलेंगे बर्तन, बस जो नाश्ता किए वही है, बाकी सब बर्तन बनाते गए थे और उसी समय धुलते गए थे, तो बहुत बर्तन नहीं फैला है। बच्चे भी अभी पढ़ाई नहीं किए, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखने का काम किए, लेकिन उन लोगों का भी दिमाग किचन में लगा रहता है, जब कुछ बनाओ ना तो बच्चों का दिमाग ज़्यादा किचन में लगा रहता है, और मेरा ओम है ना कि खाने के थोड़े ज़्यादा ही शौकीन हैं, उन्हीं के वजह से बनता भी है, अगर कुछ शाम का अलग से बनता है तो उनके वजह से ही बनता है, इतना ज़्यादा जिद करने लग जाते हैं कि लगता है कि कुछ बना ही दें। अभी आज सर दर्द हो रहा है क्योंकि आज एसी बिल्कुल चला नहीं, और एसी की बात नहीं है, एसी की तो खैर अभी आदत नहीं है कि इतनी एसी की आदत है, कूलर भी होता ना तो थोड़ा सा राहत होता, लेकिन कूलर तो खैर अभी है नहीं है, और सबसे बड़ी लाइट ही नहीं थी, मेरे मिस्टर की वजह से लाइट का पूरा वो हो गया था, सबकी लाइट थी, हम लोग सोच रहे हैं कि लाइट है ही नहीं,
सर भारी भारी सा हो गया, क्योंकि आज गर्मी था तो दोपहर में थोड़ा देर चला लिए होते ना तो ठंडा हो जाता कमरा, फिर आराम से सोते। अब पंखे से गर्मी लग रही थी और दिमाग ये भी लग रहा था कि सुबह से लाइट गई है, पता नहीं कब तक आएगी, कितना देर तक। इन्वर्टर का भी रहता है ना कि कितना देर चलेगा, 10 घंटा 12 घंटा चलेगा तो बोल ही देगा। तो फिर वही था कि अभी किचन से छुट्टी मिल गई है तो थोड़ा सा राहत हो गया है कि केवल बर्तन बर्तन है तो थोड़ी देर बाद जाके धुल लेंगे। और अभी आप अपने वीडियो का भी एंड करते हैं क्योंकि अब आगे कुछ है भी नहीं, थोड़ा बहुत बर्तन धुलना है। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और कैसी लगती है मेरी वीडियो कमेंट करके बताया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।